राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा विचलित है और बचाव की मुद्रा में है। श्री पटेल ने कहा कि भाजपा राहुल को कुछ मानती ही नहीं थी, लेकिन आज उनकी लोकप्रियता से डरी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है, जिसमें कांग्रेसियों में भारी उत्साह है। श्री पटेल ने कहा कि गरीबों को भाजपा गुमराह कर रही थी, उनका मनोबल तोड़ रही थी, आज उनका मनोबल बढ़ा है और सभी राहुल गांधी के साथ मिलकर देश को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राज्यसभा सांसद ने सावरकर के मामले में भी कहा कि राहुल गांधी ने प्रमाण दिया है कि माफी मांगी थी। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने किस तरह से भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अपील की है। जो देश का नेतृत्व है, वो नेतृत्व पूरे समाज को गुमराह करके और इस देश के बहुसंख्यक किसान, मजदूर, दलित, वनवासी, इनके हकों और अधिकारों को लूटना चाहते हैं और इनके स्वाभिमान और सम्मान, जो सबसे बड़ी पूंजी इनकी होती है, जो राष्ट्र की पूंजी होती है, क्योंकि गरीब के मेहनत के आधार पर ही किसी भी देश के प्रगति और विकास का इतिहास लिखा जाता है, बुनियाद खड़ी होती है। और जब गरीब का विश्वास मजबूत होता है, तभी राष्ट्र मजबूत होता है। उस ताकत की उपेक्षा करके चंद पूंजीपतियों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, गरीबों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनके मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है और सांप्रदायिकता की भावना से उनको बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जो देश के भविष्य के लिए खतरा है। जहां संवैधानिक मूल्यों की बात खत्म हो जाए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाए, जिस व्यवस्था के लिए हमारे देश के लाखों लाख लोगों ने कुर्बानी दिया था, वो व्यवस्था ख़त्म हो जाए तो फिर प्रजातंत्र का अस्तित्व क्या होगा और उस प्रजातंत्र में गरीब की भागीदारी कहाँ होगी, गरीब का स्वाभिमान और सम्मान कैसे बचेगा। ये सबसे बड़ी आज चुनौती हमारे देश के सामने खड़ी हो रही है, जो सरकार के एक एक कार्यों से जो है आम आदमी भी अब माने परिचित होने लगा है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के कि जो ये नफ़रत फैल रही है, इस नफ़रत को कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों के विश्वास को मजबूत किया जाए, इसी दिशा में आज राहुल गांधी जी जो इतनी बड़ी पदयात्रा में निकले हैं, उसका संकल्प लिया है और जिसकी शुरुआत माने मध्य प्रदेश में भी 23 तारीख से मध्य प्रदेश से भी शुरू होगी, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है, उससे निश्चित रूप से राजनीति का एक ध्रुवतारा बन करके जो है राहुल गांधी जी उभरे हैं इस देश में और दुनिया के सामने। आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अहंकार के दम पर ही कहती फिरती थी कि राहुल गांधी कुछ ही नहीं है, और तरह तरह के माने बनावटी प्रश्न खड़ा करते थे, जवाब सवाल करते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी जो है अब बचाव की मुद्रा में नज़र आने लगी है, कि आक्रामक न होकर के बचाव के मुद्रा में आ गई है कि किस तरह से अपने अस्तित्व को बचाया जाए। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी के जो विचार हैं, राहुल गांधी जी ने बेबाक सच्चाई को कहा है, सुने ना सुने लेकिन उन्होंने सच्चाई को हर जगह उजागर किया है, चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे समाज के बाहर हो, खुल करके उन्होंने कहा है और उन्होंने संकल्प लिया था कि सच कहना है, सच के लिए लड़ना है, हम सच कहेंगे, सच की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। आज उसका असर सारे देश में, सारे समाज में दिखने लगा है। बताए ना कि आज जो भारतीय जनता पार्टी एक उपेक्षा और एक दृष्टि देखती थी, राहुल गांधी को कुछ मानते नहीं थे, ऐसा शो करते थे और ये साबित करना चाहते कि राहुल गांधी गुनहगार हैं, राहुल गांधी गलत ही सवाल उठाते हैं, तो आज ये उल्टी बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बचाव के मुद्रा में आ गई है कि माने हमें किस तरह से बचना है, तो मान लीजिए कि इसका क्या असर पड़ेगा।
निश्चित रूप से इस देश के गरीबों को जिनको गुमराह कर रहे थे, जिनका मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, आज उनका मनोबल मजबूत हुआ है और राहुल गांधी की विचारधारा के साथ जुड़ करके वो समाज और देश को मजबूत करने की दिशा में लग गए। आप देखिए, इस तरह के सवाल जो है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज सरदार पटेल की सबसे बड़ी स्टैचू बनवा दिया, सरदार पटेल के हुए कि उनके विचारधारा के हम अनुयायी हैं, सावरकर को राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ में, पत्र के साथ में दिया है कि माफ़ी मांगा है, तो इनमें दम है तो पत्र दिखा देना कि माफ़ी नहीं मांगे, प्रमाण दे भारतीय जनता पार्टी। तो इनका लिपा छिपा वाला चेहरा जो है दिखाने के और होते हैं, खाने वाले हाथी के दांत और होते हैं, उस तरह का भारतीय जनता पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस समय सरदार पटेल के अगर ये अनुयायी हैं, तो जिस समय सरदार पटेल महात्मा गांधी के पुजारी हैं, तो जिस समय महात्मा गांधी यातनाएं भोगत रहे थे, जेलों में सड़ रहे थे, प्रजातंत्र की लड़ाई के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, गरीब को हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, इस विचारधारा के लोग कहाँ थे? क्या गांधी के साथ में थे? क्या सरदार पटेल की विचारधारा के साथ में थे? या सावरकर की विचारधारा के साथ में थे? अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे, ये तो इतिहास है, जग जाहिर है, आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। तो जब ये कभी उस विचारधारा के साथ में नहीं रहे, हमेशा उस विचारधारा के विरोधी रहे हैं, तो आज ये नकली माने इस तरह की पैदा कर कहीं फोटो बना देंगे, कहीं जयंती मना लेंगे, कहीं 10,000 लोगों को बुला लेंगे, तो इससे होता है क्या?